हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जे डी एस एजुकेशन अकेडमी। सो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं फ्रेंड्स एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर MEC 001 एंड MEC 106, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द आर स्क्वायर एंड द एडजस्टेड आर स्क्वायर। इससे पहले मैंने ऑलरेडी आर स्क्वायर क्या होता है और एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या होता है ये मैंने बताया हुआ है। तो जिन लोगों ने इस वीडियो को ना देखा हो, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा फ्रेंड्स, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। सो नाउ देखते हैं फ्रेंड कि इन दोनों बीच में क्या डिफरेंस है। और ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन कह सकते हो, जो आपको हर साल देखने को दोस्तों एग्जाम में मिलता ही मिलता है। तो आप इस टॉपिक को जरूर करके जाइएगा, डेफिनेटली दोस्तों इस साल भी इन क्वेश्चन के चांसेस ज़्यादा हैं। सो ये सिंपल टॉपिक है दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन द आर स्क्वायर एंड एडजस्टेड आर स्क्वायर। सो ये क्या है फ्रेंड्स, एवरी टाइम यू एड एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स टू एन मॉडल द आर स्क्वायर इंक्रीज्ड इवन इफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इनसिग्निफिकेंट। तो कह रहा दोस्तों, हर बार जब भी आप क्या करोगे, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ऐड करोगे, तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो हमेशा बढ़ेगी। कब भी तब तक बढ़ेगी दोस्तों, जब आपके जब भी बढ़ेगी जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो, इनसिग्निफिकेंट हो, यानी अगर नहीं भी काम करती हो तब भी आपकी आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। एंड इट नेवर डिक्लाइन, ध्यान रखना। तो अगर कोई भी आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐड करते जाओगे तो आर स्क्वायर वैल्यू ऑलवेज बढ़ेगी, ना कि दोस्तों कभी घटेगी। तो ये कभी भी डिक्लाइन नहीं होता, ध्यान रखिएगा। जबकि जो आपका आर स्क्वायर है वो एडजस्टेड आर स्क्वायर है फ्रेंड, वो क्या है, एडजस्टेड आर स्क्वायर इंक्रीज ओनली वेन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज सिग्निफिकेंट एंड अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि आर स्क्वायर क्या है फ्रेंड, एडजस्टेड आर स्क्वायर कब बढ़ता है, जब भी बढ़ता है जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या करे, सिग्निफिकेंट हो, और डिपेंडेंट वेरिएबल में भी क्या करे दोस्तों, चेंज करे। अभी इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्या होता है ये भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। अगर इक्वेशन में लोगे आप, तो ये देखिए इक्वेशन है इनका, वाई कोल्ट में क्या है फ्रेंड्स, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एरर। तो यहाँ पे जो वाई वैल्यू होती है क्या होती है, डिपेंडेंट होती है, दैट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल। अल्फा और बीटा क्या होता है दोस्तों, पैरामीटर होता है। और एक्स क्या है आपका, यहाँ पे एक्स क्या है फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और ई क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे रेसिडुअल या फिर एरर बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। तो मैंने क्या बताया पहले आर स्क्वायर में, कि आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती रहती है, इवन वेन द इनडिपेंडेंट वेरिएबल इज इनसिग्निफिकेंट, इट और इट कैन नेवर बी डिक्लाइन। Is the adjusted R square only increase only when the independent variable is significant and affect dependent variable? समझ में आ गया होगा फ्रेंड। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे मान लो ये वेरिएबल है आपका 1, 2, 3, और यहाँ पे R square की वैल्यू आ रही है, और ये आपके एडजस्टेड R square की वैल्यू है। तो R square की वैल्यू जैसे आप जैसे जैसे 1 by 1 ऐड करोगे, पहले 1 फिर 2 फिर 3, तो देखो यहाँ पे कंटिन्यू क्या होगी, R square की वैल्यू बढ़ती रहेगी। जबकि एडजस्टेड R square में क्या होगा फ्रेंड, पहले बढ़ेगा फिर बढ़ेगा फिर धीरे धीरे क्या होगा, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ गई आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये टेबल क्या शो कर रहा है फ्रेंड्स, इन द टेबल एडजस्टेड आर स्क्वायर इज मैक्सिमम व्हेन वी इंक्लूड टू वेरिएबल। हमने क्या देखा दोस्तों, कि एडजस्टेड आर स्क्वायर का वेरिएबल है जब आप दो वेरिएबल को ऐड करोगे, पहला और दूसरा। इट डिक्लाइन व्हेन द थर्ड वेरिएबल इज ऐड, और जैसे दोस्तों थर्ड वेरिएबल ऐड किया, यहाँ पर क्या हुई 94 से वैल्यू क्या आ गई 85। वेयर द आर स्क्वायर इज इंक्रीज व्हेन वी एडेड थर्ड वेरिएबल इज इनसिग्निफिकेंट इन द मॉडल। और जबकि दोस्तों आर स्क्वायर में हमने थर्ड वैल्यू रखी, तब भी क्या हुआ, यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू बढ़ गई है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट डिफरेंस है आपका, एडजस्टेड आर स्क्वायर कैन बी नेगेटिव वेयर द आर स्क्वायर इज क्लोज टू जीरो। ध्यान रखना, जो एडजस्टेड आर स्क्वायर फ्रेंड वो नेगेटिव हो सकता है, जबकि आपका जो आर स्क्वायर है वो क्लोज टू जीरो जाएगा, लेकिन नेगेटिव नहीं होगा। लास्ट डिफरेंस है फ्रेंड, एडजस्टेड आर स्क्वायर वैल्यू ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू आर स्क्वायर वैल्यू, ध्यान रखना। सो आपका ये क्या फ्रेंड, ये था आपका डिफरेंस बिटवीन द एडजस्टेड आर स्क्वायर और आर स्क्वायर के बीच में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था फ्रेंड, जो मैंने आपको करवाया है। आई होप दोस्तों यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिले आपको एग्जाम में, और आप उसमें इजिली लिख पाएंगे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड ऑल द बेस्ट फ्रेंड।